प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूज वीक को इंटरव्यू। आम चुनाव, भारत की आर्थिक प्रगति पर उन्होंने बात की, लोकतंत्र से लेकर चीन तक पर पीएम ने अपनी बात रखी। भारत के चीन में लोकतंत्र है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। तो आपको ये बताते चले कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज वीक को इंटरव्यू दिया और इसमें कई विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने आम चुनाव से जुड़े हुए सवालों का जवाब दिया। भारत की आर्थिक प्रगति पर उन्होंने बात रखी, किस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया, इसका उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को दिए गए इस इंटरव्यू में कहा कि भारत के लिए चीन के साथ उसके रिश्ते अहम हैं, दोनों देशों के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर लंबे समय से चल रहे विवाद पर तत्कालीन बात करने की जरूरत है। दोनों देश डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर पॉजिटिव बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024, लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता, राम मंदिर, डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई आर्टिकल 370 हटाने, भारत में भेदभाव की शिकायत करने वाले अल्पसंख्यकों सहित कई दूसरे मुद्दों पर भी इस दौरान बातचीत की है। तो आपको ये बताएं कि इस मैगजीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस वक्त चल रहा है उससे जुड़े हुए प्रश्नों का भी जवाब दिया 370 को लेकर के। इसके अलावा पाकिस्तान से चीन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू के माध्यम से ग्लोबल संदेश दिया, कैसे भारत तरक्की कर रहा है, कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। और अब आपको पीएम मोदी के न्यूज वीक मैगजीन को दिए गए 8 संदेश के बारे में भी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। मोदी का ये दुनिया को 8 संदेश और ये क्या कुछ रहा वो आप समझिए। चीन बातचीत से सीमा विवाद खत्म हो, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा इसका संदेश क्या है, शांतिपूर्ण संबंध दोनों देशों के लिए अहम है। इसके बाद क्योंकि देखिए कई सारे सवाल पूछे गए थे, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आतंक हिंसा से मुक्त माहौल के लिए वकालत उन्होंने की, इसका मैसेज क्या है, आतंक को संरक्षण देना बंद हो, ये दो टूक पीएम ने कह दिया है। इसके बाद लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल जिसमें पीएम कहते हैं कि हमारे जीन में हो, ये संदेश क्या, सवाल उठाने वालों को जवाब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अल्पसंख्यकों को लेकर केंद्र की योजनाएं सभी के लिए हैं, ये पीएम ने कहा। संदेश इसका ये कि कोई भेदभाव नहीं, जो भी सुविधाएं हैं वो सबके लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राम मंदिर के मसले पर देश की एकता का ये ऐतिहासिक क्षण रहा, इसका संदेश क्या, राम का नाम राष्ट्रीय चेतना है। चुनाव से संबंधित सवाल पर सबका साथ सबका विकास का मंत्र और इसका मैसेज ये कि विकास से जनता का भरोसा जीता। आर्थिक विकास 2047 तक विकसित भारत का उन्होंने बात कही है। अब संदेश इससे क्या कि देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं जिसका उन्होंने जिक्र किया है। मैसेज ये है कि अगर महिला सशक्त होंगी तो देश मजबूत होगा। प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू में कई बातों का जिक्र था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सीमा पर लंबे समय से खराब स्थिति रही, LAC की स्थिति को तुरंत हल करने की जरूरत है। कुछ और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते कि पीएम ने आखिरकार चीन को लेकर के क्या कुछ कहा। सीमा पर लंबे समय से खराब स्थिति, इसके बाद प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि LAC की स्थिति को तुरंत हल करने की दरकार है, द्विपक्षीय बातचीत से हालात सामान्य हो सके, दोनों देशों के बीच शांति पूरी दुनिया के लिए जरूरी, उम्मीद है सीमाओं पर शांति स्थिरता बहाल करने में सक्षम होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर के कहा है। तो देखिए अलग अलग विषयों से जब जुड़ा हुआ सवाल यहाँ पर पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने भारत का पक्ष भी रखा और ये भी बताया कि किस तरीके से अब आगे बढ़ना होगा। अब इस दौरान पीएम ने पाकिस्तान को क्या जवाब दिया वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं। पाकिस्तान से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के पीएम को पद संभालने की बधाई थी, भारत में हमेशा आतंक हिंसा से मुक्त माहौल की वकालत, शांति सुरक्षा समृद्धि को आगे बढ़ाने की बात,
पाकिस्तान के आंतरिक मामले पर टिप्पणी नहीं, ये भी प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा है। तो पीएम का जो इंटरव्यू ये पूरा रहा, इसमें पाकिस्तान से जुड़े प्रश्नों पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है, लेकिन इसी के साथ लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछा गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान किन बातों का जिक्र किया लोकतंत्र मीडिया से रिलेटेड। हम एक लोकतंत्र सिर्फ इसलिए नहीं कि संविधान में ऐसा कहा गया, लोकतंत्र हमारे जीन में है, भारत लोकतंत्र की जननी है। 2019 के चुनाव में 600 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, अब कुछ दिनों में 970 मिलियन से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। वोटर्स की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के प्रति आस्था का प्रमाण है। हमारा मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है। तो पीएम ने कई विषयों पर अपनी बात रखी, ग्लोबल मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मैगजीन को वो इंटरव्यू दे रहे थे और इसमें कई विषयों पर उनका क्या जवाब रहा वो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया।